हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग नाग पोखरी आए हैं और अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 1.5 घंटा हो गया, तो हम लोग अभी 1.5 घंटा से यहीं पे बैठे हैं। सोचे कि एक ब्लॉग शूट कर लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और देखिए श्रियांश भी है यहाँ पे, ये देखिए क्या कर रहा है श्रियांश, मुँह में उंगली डाल रहा है, गंदा बच्चा हो गया है। तो अभी 1.5 घंटा हो चुका है और श्रियांश जाने के लिए कर रहा है, देखिए, और इसीलिए बदमाशी कर रहा है। हम लोग नाग पोखरी आए हैं तो सोचे कि ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ का सीन देख सकते हैं, तो श्रियांश के पापा यहाँ पे कभी आए नहीं थे तो इनको यहाँ पे लेके आए हैं। ज़्यादा दूर वैसे नहीं है, हम लोगों के रूम से 10-15 मिनट लगता है यहाँ पर भी आने में। तो ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं और ये काफ़ी पुराना जो है जगह है। कहा जाता है कि कितने पहले नाग जो है मिले थे, जिस वजह से इसका नाम नाग पोखरी रख दिया गया। और हर नाग पंचमी में यहाँ पे जो है मेले का आयोजन, वैसे परसों यहाँ पे नाग पंचमी है शायद, तो परसों यहाँ पे अच्छा मेला लगेगा, तो हो सकता है हम लोग आएंगे वहाँ पे घूमने फिरने। तो लोग आते हैं, घूमने फिरने के लिए यहाँ पर, शाम में अपना जो है वॉकिंग करते हैं। और यही चीज़ है, बहुत अच्छा जगह है, तो देखने में अच्छा खासा जो है वो लुक इसका अच्छा है। बीच में छोटा सा तालाब सा बना हुआ है, इसमें फव्वारे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वैसे आज यहाँ पे कोई मेला वेला नहीं है, ऐसे ही हम लोग घूमने आए थे क्योंकि श्रियांश के पापा यहाँ पे कभी आए नहीं थे, तो सोचे कि थोड़ा देर इनको घुमा देते हैं क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे। तो अभी शाम हो गया था, अभी 5 बज रहा है, तो हम लोग करीब 3:30 बजे के आसपास आए थे, अभी 5:30 होने वाला है, मतलब 5 बजा है। तो अब जाने का टाइम हो गया, तो सोची कि एक ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी देख के इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मतलब कि बहुत ही अच्छा है, हम लोग काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे आते थे, लगभग 6-7 साल हो गया है। तो 6-7 साल के बाद यहाँ पे मैं भी आई हूँ, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि काठमांडू में 5-6 साल के बाद आई हूँ। और ये भी मतलब आए थे पहले तो यहाँ पर नहीं घूमे थे, यहाँ पर उनको घुमाए नहीं थे, बस 1-2 जगह घूम के फिर चले गए थे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम आए हैं और इनको भी यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा है। तो मतलब ये नाग पोखरी है, यहाँ पे नाग का पूजा किया जाता है। उधर देख रहे हैं साइड में नाग का छोटे छोटे मंदिर, मंदिर भी है उधर देख सकते हैं, वहाँ पे मंदिर भी है। और परसों यहाँ पे शायद नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी में पूरा ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा लुक यहाँ पे, ये पोखरी के साइड साइड में जो देख रहे हैं, ये साइड साइड में पूरा इतना मेला लगेगा, इतना भरा हुआ रहेगा कि मतलब कि आदमी को घुसने का जगह नहीं रहेगा। वैसे मैं कल परसों यहाँ पे मैं घूमने आऊँगी मेला पे, तो उसका ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उस टाइम तो मैं बोल के नहीं बता पाऊँगी, बस बाहर से ही कुछ यहाँ पे शूट कर लूँगी कि कितना भीड़ वगैरह रहता है, कैसा मेला लगता है, तो उसको शूट करके और बाद में वॉइस ओवर करके वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर यहाँ पे उस दिन घूमने फिरने आ गई तब। वैसे परसों तो हम लोगों का मनोकामना जाने का प्लान है, तो देखिए यहाँ पर घूमने आते हैं या मनोकामना मंदिर जाते हैं। वैसे मम्मी बोल रही थी कि मनोकामना मंदिर चलने के लिए, तो यहाँ पे मनोकामना अगर मंडे को चले गए तो यहाँ पे घूम फिर नहीं पाएंगे, क्योंकि मंडे का ही प्लान है और मंडे को यहाँ पे नाग पंचमी भी है। तो देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पे आए तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बैक कैमरा ऑन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे लुक। तो यहाँ पे देखिए, मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे दिखा रही हूँ, उधर जो सीढ़ी आप वहाँ पे देख रहे हैं तो वहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं, उधर से भी एंट्री कर सकते हैं और एक यहाँ पे ये साइड से है। तो हम लोग फिलहाल अभी इधर से आए हैं, तो यहाँ से आए हैं, अभी यहाँ आके फिर यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग चक्कर भी यहाँ पे नहीं लगाए हैं। तो देखिए इसी तरह सिंपल सा है, वहाँ से भी जा सकते हैं क्योंकि पूरा मतलब कि बीच मतलब रोड में है, साइड साइड में देखेंगे तो रोड है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए उधर नाग का मंदिर वगैरह है, उधर देख रहे हैं छोटा छोटा मंदिर है वहाँ पे, और इधर यहाँ पे जो पोखरी है नाग पोखरी, और साइड साइड में आप देख रहे हैं तो पूरा यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सी वगैरह मतलब लगा हुआ है, देख सकते हैं साइड साइड में छोटा छोटा। तो यहाँ पे लोग आके यहाँ पे टाइम पास करते हैं, स्पेशली सैटरडे को, वैसे आज सैटरडे है तो सैटरडे को ज़्यादातर लोग यहाँ पे आके अपना बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर अपना अपना घर जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का ये पोखरी है, देख सकते हैं पूरा स्क्वायर शेप में है। और वहाँ पे देखिए जो नाग जी का होता है वहाँ पे इस तरह का वो लगा हुआ है, देख सकते हैं सीधा। तो अभी तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मोड़ा यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे अभी डेकोरेशन हुआ है, तो परसों तक मतलब कि पूरा अच्छा से यहाँ पे डेकोरेट हो जाएगा, क्योंकि परसों यहाँ पे शाम से मेला स्टार्ट होगा और पूरा ये इतना भरा हुआ रहता है कि आदमी यहाँ पे घुसने का जगह नहीं रहता, इतना भीड़ रहता है।
यहाँ पे बोट भी चलता है बड़ा सा। पहले हम लोग आए थे तो यहाँ पे बोट चढ़ता था, लेकिन हम लोगों को उसमें चढ़ने में डर लगता था, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग पहले आते तो डेली थे, लेकिन जब नागपंचमी में आते थे तो बोट पे कभी नहीं चढ़े हैं। और आएंगे तो बोट पे भी चढ़ेंगे और फिर उसका ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देख लिए यहाँ पर क्या किस तरह का यहाँ पे लुक है, आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिए। यहाँ पे देखिए श्रियांश और श्रियांश के पापा बैठे हुए हैं। तो इस ब्लॉग में आप लोग देख लिए कि हम लोग यहाँ पे नागपोखरी आए थे, उसका पूरा मतलब लुक आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। और अब घर जाने का टाइम हो गया है, हम लोग घर जा रहे हैं। यहाँ पे अच्छा लगा, दो घंटा हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब शाम होने वाला है, बारिश भी होने वाला है, तो हम लोग घर जा रहे हैं। तो इस आज का ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को मिलते रहें। चलिए हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय।